सर्वांना माझ्या चॅनलवर स्वागत हो। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 7 आणि 8 सीटर दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा आणि आतापासूनच व्हिडिओला लाईक करा। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पिकअप गाडी पण दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा, कोणता पण पार्ट मिस नका करू। दिस वन इज झायलो, 2009 का मॉडल आहे, डिझेल थर्ड ओनर, 1,23,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 1,99,000। इतने कम बजट का इसकी आप लोगों के लिए वीडियो लाता हो, मतलब अभी देखो ना, ये 7 या 8 सीटर गाड़ी है, ये 8 सीटर आई थिंक सो झायलो, और ये प्राइस है 1,99,000, तो एकदम बेस्ट डील है ये। और ये कार के अलावा अगर आपके कुछ और भी रिक्वायरमेंट है ना, तो मेरे को बस आपका रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में याद से कमेंट करके बताते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल ही मैं आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, बट ट्राई कर सकता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो आप लोगों का बस इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को हमेशा लाइक करते जाओ और अगर जितना हो सकता है वीडियो को शेयर भी करते जाओ। ये इनोवा है, 2015 का मॉडल, सिंगल ओनर डीजल है, 2,25,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करें 9,15,000। ये झायलो है, 2009 का मॉडल, सिंगल ओनर डीजल, 56,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 2,70,000। ये इनोवा है, 2006 का मॉडल, थर्ड ओनर डीजल, 1,80,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 3,25,000। आई थिंक सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया ही रहेगा।
यह महिंद्रा मैक्स है 2006 का मॉडल, सेकेंड ओनर डीजल, 1,25,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 1,99,000। ये पिकअप है 2017 का मॉडल, सिंगल ओनर डीजल, 36,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 6 लाख। ये कार पे भी फिनांस की फैसिलिटी अवेलेबल है, कार नहीं सॉरी पिकअप बोलते हैं इसको। इस टाटा आरिया 2010 का मॉडल, सेकेंड ओनर डीजल, 1,05,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है और प्राइस कोट करे 3 लाख। अगर मेरे को आप पर्सनली पूछोगे कि 7 और 8 सीटर कार्स में अगर तुम्हारा बजट 5 से 6 लाख का है तो आप कौन सी कार परचेज करोगे, ट्रस्ट मी मैं टाटा आरिया पे जाऊंगा। क्योंकि पहले तो बात, मेरे को 5 से 6 लाख तो लगेंगे नहीं टाटा आरिया के लिए। मैक्स टू मैक्स अगर मैं अच्छी कंडीशन की गाड़ी लेता हूँ तो 4 से 4.5 लाख रुपए लगेंगे। ये भी अच्छी गाड़ी है बट एकदम ही अच्छी कंडीशन की लेता हूँ तो टाटा का गाड़ी लेने का बेस्ट पार्ट ये है कि उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, मेंटेनेंस भी अच्छा ही है। अगर आप कंपेयर करोगे मारुति से तो ठीक है थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है बट मेंटेनेंस वाइज भी टाटा अच्छा है और सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। तो आज के वीडियो में यही था, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ वरना मारुति फैन बॉय मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर भी करना। आपका फीडबैक भी मैटर करता है कि आपको मारुति पसंद है कि टाटा, उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा। मारुति की तो हमेशा करनी होगी क्योंकि मारुति के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है कंपेयर टू टाटा। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं इसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।